हाय गाइस, दिस इज सौम्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक होम रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। तो आज मैं मेरा रेफ्रिजरेटर का टूर कराने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे मेरे पूरे किचन का टूर वीडियो डाला हुआ है, तो आप जरूर जाके देखें। और उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप एक रेफ्रिजरेटर का टूर भी बनाएं, तो आज मैं वही करने वाली हूँ। तो वीडियो के अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं मेरे फ्रिज में बहुत सारे सामान नहीं रखती हूँ। मैं लेफ्ट ओवर फूड या मसाले या ड्राई फ्रूट्स, ऐसी चीज़ें मैं फ्रिज के अंदर नहीं रखती हूँ। यूजुअली लेफ्ट ओवर फूड जो सुबह में बचता है वो हम रात में खा लेते हैं, तो रात के डिनर के बाद जो भी थोड़ा बहुत बचता है उसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। इसीलिए आपको जब आप टूर देखोगे आपको पता चलेगा मेरा फ्रिज ऑलमोस्ट थोड़ा एम्प्टी ही होता है, बहुत सारे सामान से मैं भरती नहीं हूँ। बट फिर भी मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे बेसिक नेसेसिटीज हो गया, जैसे कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, डोसा बैटर हो गया, या धनिया पत्ता, करी लीव्स, लेमन, जिंजर, गार्लिक, ये सब मैं कैसे करके स्टोर करती हूँ, तो वो सब आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और मुझे बहुत रिक्वेस्ट भी आया था जब मैंने किचन टूर बनाया था कि, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप एक रेफ्रिजरेटर का भी टूर बनाएं, तो इसलिए मैं आज मेरा रेफ्रिजरेटर का टूर बना रही हूँ। तो होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। गाइस, ये है मेरा रेफ्रिजरेटर। ये एक्चुअली टू डोर रेफ्रिजरेटर है, और ये सैमसंग का है। यहाँ पे मैंने फ्रिज मैग्नेट लगा दिया तो दिख नहीं रहा है, एक्चुअली ये सैमसंग ब्रांड का है। और इसको लिए हुए मुझे 5 ईयर्स तो हो गए, और आप देख सकते हो मैंने बाहर यहाँ पे बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स लगाए। मुझे फ्रिज मैग्नेट्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है, तो हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो वहाँ से एक फ्रिज मैग्नेट खरीद के लेके आते हैं। तो मुझे, मैं जब भी यहाँ पे किचन में खाना बनाती रहती हूँ तो वो मैग्नेट्स देख के मुझे वो सारी मेमोरीज रिफ्रेश हो जाते हैं, तो मैं हमेशा ही फ्रिज मैग्नेट कलेक्ट करती रहती हूँ। और मैंने यहाँ पे एक बोर्ड भी है, ये एक्चुअली मैग्नेटिक बोर्ड है, मैग्नेटिक वाइट बोर्ड जो मैंने फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है। और इसमें मैं कोट्स लिखती हूँ, जैसे इंस्पिरेशनल कोट्स, या कभी किसी का बर्थडे होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो इस तरह से ये यूज़ होता है। और मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक टू डू लिस्ट का मैंने एक मैग्नेटिक, ये भी मैग्नेटिक है, इसके पीछे मैग्नेट है, तो मैं इसको हमेशा यहाँ पे रखती हूँ। तो मैं यहाँ पे सारे अपने ग्रॉसरीज नोट करके रखती हूँ। तो मैं एक्चुअली वीकली लेती हूँ ग्रॉसरीज, मुझे बल्क क्वांटिटी में लेना अच्छा नहीं लगता है, तो जब भी कोई ग्रॉसरी ख़त्म हो जाता है तो मैं यहाँ पे लिख के रख देती हूँ। इवन वेजिटेबल्स भी मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ, तो मुझे याद रहता है मुझे क्या चाहिए वो वीक के लिए। तो ये है मेरा फ्रिज के आउटसाइड का व्यू। तो अब चलिए अंदर खोल के दिखाती हूँ मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो फ्रिज अंदर खोल के कुछ ऐसे दिखता है। नीचे में दो ड्रॉज है यहाँ पे, ये एक में मैं फ्रूट्स रखती हूँ, एक में मैं वेजिटेबल्स रखती हूँ। मैं खोल के दिखाऊंगी आपको, और ये पूरा ऐसे दिखता है नीचे से ऊपर तक। तो ये जो पहला शेल्फ है इसमें ये जो ब्लू कलर का जो कंटेनर है, ब्लू कलर के लिड में जो ग्लास कंटेनर है उसमें मैं डोसा बैटर रखती हूँ। तो मैंने जैसे बताया था प्रीवियस वीडियोस में, मैं साउथ इंडियन हूँ तो हम लोग इडली डोसा बहुत ज़्यादा खाते हैं, लाइक ब्रेकफास्ट में या डिनर में, कभी कभी दोनों टाइम खाते हैं। तो उस कंटेनर में मैं हमेशा डोसा बैटर रखती हूँ, और मैं डोसा बैटर घर पर बनाती हूँ कभी कभार, लाइक कभी अगर कोई गेस्ट आ जाता है, मुझे टाइम नहीं मिलता है घर पे इडली डोसा बैटर बनाने का, तो मैं बाहर से लेती हूँ। बट अदरवाइज मैं मोस्टली घर पे बनाती हूँ। अगर आप लोगों को इडली डोसा बैटर घर पे बनाने का रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वो एक अलग वीडियो बनाऊंगी।
और फिर उसके बगल में जो ये ग्लास का बॉटल है उसमें मैं कर्ड रखती हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा कर्ड कर्ड खाते हैं, मेरी बेटी को कर्ड बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कर्ड कर्ड का जो पैकेट्स ले आती हूँ उसको मैं खोल के ऐसे ये बॉटल के अंदर रख देती हूँ, तो इस तरह से निकाल के यूज़ करना बहुत ईजी हो जाता है। और मैं कभी कभी घर पे भी कर्ड सेट करती हूँ, तो उसका भी अगर गाइस इसके नीचे का जो शेल्फ है वहाँ यहाँ पे छोटा सा स्टील का रैक दिया हुआ है जहाँ पे आप जूसेस रख सकते हैं। तो यूजुअली हम एरेटेड जूस ये सब नहीं पीते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं रखती हूँ, तो ये खाली रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और फिर यहाँ पे मैंने एक डिब्बे में आटा रखा हुआ है, कल का थोड़ा सा आटा बच गया था, तो अभी मैं आज उसको रीयूज कर लूँगी। तो यूजुअली जो भी सुबह का जो खाना बचता है उस थोड़े थोड़े पार्ट में जो भी बच जाता है उसको मैं ये वाले शेल्फ में रखती हूँ और रात तक उसको रीयूज कर देती हूँ। और अगर मुझे रात में वो मुझे पता है कि वो यूज नहीं होने वाला है तो मैं मेरे मेड को दे देती हूँ। तो इस तरह से मैं फ्रिज में बहुत कम खाने की चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रख के खाने से उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाता है। तो मोस्टली मैं फ्रिज में खाना रख के बचा हुआ खाना रखना मैं अवॉइड करती हूँ, तो ये वाला रैक मैं उसी के लिए यूज़ करती हूँ। और फिर नीचे का जो रैक है उसमें यहाँ पे एक बाउल है, वो बाउल में मैंने थोड़े लेमन्स रखे हुए हैं। और पीछे में आप दो कंटेनर देख सकते हो, वो दोनों कंटेनर मैंने होम सेंटर से लिया था और उसमें मैंने चॉप वेजिटेबल्स रखा है। यूजुअली जो नेक्स्ट डे में जो वेजिटेबल्स यूज़ होता है तो उसको मैं चॉप करके यहाँ पे रख देती हूँ, तो वो दोनों उसी का है। और यहाँ पर एक बटर डिश है तो इसमें मैं बटर रखती हूँ, तो सुबह मेरे डॉटर के ब्रेकफास्ट में यूज़ करने के लिए बटर रख देती हूँ। तो सुबह उठते ही इसको मैं निकाल के मेरे किचन काउंटर टॉप के ऊपर रख देती हूँ, तो मुझे ब्रेकफास्ट बनाने में आसानी हो जाता है। और फिर नीचे आप देखिए यहाँ पे ये वाले शेल्फ में, ये भी मैंने होम सेंटर से लिया था, मैंने होम सेंटर का एक व्लॉग किया था रिसेंटली, तो उसमें मैंने ये कंटेनर्स दिखाए थे। तो इसमें मैंने जिंजर रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने गार्लिक रखा हुआ है। और फिर ये जो कंटेनर है ये मैंने रिसेंटली अमेज़ॉन से परचेज किया था गाइस, तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब मैं इसको खोल के बताती हूँ इसके अंदर मैं क्या रखती हूँ। तो गाइस ये जो डिब्बा है इसमें एक्चुअली ये 3 पार्टीशन में है और ये तीनों पार्टीशन ऐसे निकल जाते हैं एक एक करके, आप इसको ऐसे अलग से निकाल सकते हो। तो इसमें मैंने एक में करी लीव्स, एक में धनिया पत्ता और एक में मिर्ची रखा हुआ है। तो ये बहुत यूज़फुल है किचन में खाना बनाने के लिए, तो जब भी मुझे इन चीज़ों का ज़रूरत होता है तो मैं इसको ऐसे निकाल के अपने किचन काउंटर टॉप के ऊपर रख लेती हूँ और जब इसका काम ख़त्म हो जाता है तो इसको मैं बंद करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो आप देख सकते हो ये एक ही कंटेनर में सारी तीन ही जो एसेंशियल चीज़ें होते हैं खाना बनाने के लिए वो आ जाता है, तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं ले रहा है। अगर मैं इसको 3 सेपरेट कंटेनर्स में रखती तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता। तो अब एक ही कंटेनर में ये तीनों चीज़ आ गया, तो ये बहुत यूज़फुल है। और जो करी कोरिएंडर लीव्स धनिया पत्ता होता है उसको आप नीचे एक पेपर टॉवल डाल के रख दीजिए, तो इस तरह से क्या होगा जो भी गीलापन होता है वो पेपर टॉवल सोक कर लेगा, तो ज़्यादा दिन तक आपके कोरिएंडर लीव्स फ्रेश रहेंगे। एक छोटा सा टिप है, तो मैंने जैसे बताया ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, ये मैंने रिसेंटली लिया है और मैंने अमेज़ॉन का एक हॉल वीडियो भी किया हुआ है, तो आप ज़रूर देखना। मैंने एक व्लॉग में मैंने क्या क्या अमेज़ॉन से अभी जो रिसेंटली अमेज़ॉन पे डिस्काउंट चल रहा था उसमें मैंने कुछ चीज़ें लिए थे, तो मैंने उसका अलग सा एक हॉल वीडियो किया हुआ है, तो आप ज़रूर वो वाला वीडियो चेक करना। तो ये था ये वाला रैक। गाइस नीचे आते हैं तो मैंने यहाँ पे 2 बास्केट्स रखे हैं, तो इसमें एक बास्केट में मैंने एक्स्ट्रा कर्ड और एक्स्ट्रा मिल्क का जो पैकेट्स होता है वो रख देती हूँ इसके अंदर। और फिर ये वाले बास्केट में मैंने टोमेटोज रखा है, मैं टोमेटोज वेजिटेबल बास्केट के अंदर नहीं रखती हूँ क्योंकि जब बड़े बड़े वेजिटेबल्स रखना होता है तो ये दब जाता है टोमेटो, तो फ्रेश नहीं रहता है, तो उसको मैं सेपरेटली यहाँ पे एक बास्केट में रख देती हूँ। और फिर ये जो बास्केट है ऊपर वाला इसमें मैं
फ्रूट स्टोर करती हूँ, बिकॉज ये थोड़ा छोटा वाला बास्केट है तो इसमें मैंने फ्रूट्स रखा है, तो आप देख सकते हो इसमें भी मैंने दो बास्केट करके डिवाइड करके रखा है, क्योंकि हम एप्पल बहुत ज्यादा खाते हैं तो एप्पल में सेपरेटली यहाँ पे स्टोर कर देती हूँ ये वाले बास्केट में, और यहाँ पे बाकी के फ्रूट्स आ जाते हैं। एक्चुअली मुझे फ्रूट शॉपिंग जाना है, सिर्फ एप्पल और यही बचा है, तो पोमीग्रेनेट जो भी अलग बाकी के जो फ्रूट्स होते हैं वो मैं ये वाले बास्केट के अंदर रख देती हूँ। तो ये तो मेरा फ्रूट बास्केट, और फिर ये जो लास्ट बास्केट है ये है वेजिटेबल बास्केट। तो मैंने जैसे बताया मैं बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स एक ही साथ में स्टोर करके नहीं रखती हूँ, तो मैं जब वीकली बेसिस पे ही मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की शॉपिंग करती हूँ, तो ये वीक का मैंने वेजिटेबल ऐसे स्टोर करके रखा है, और मैं ये ज़िपलॉक कवर्स में रख देती हूँ ऐसे, आके मैं इमीडिएटली जब भी शॉपिंग वेजिटेबल शॉपिंग करके आती हूँ तो मैं उसको धो के फिर उसको अच्छे से ड्राई क्लॉथ से वाइप करके ऐसे ज़िपलॉक कवर्स के अंदर रख देती हूँ, तो ज़्यादा देर तक फ्रेश दिन तक फ्रेश रहता है वेजिटेबल्स। तो ये था मेरा वेजिटेबल बास्केट। तो ये रहा पूरा मेन फ्रिज का शेल्फ, तो आप देख सकते हो मोस्टली फ्री ही रहता है, ज़्यादा मैं भर नहीं देती हूँ, मुझे थोड़ा फ्री अच्छा लगता है, और मैं ज़्यादा स्टोर भी नहीं करती हूँ, लेफ्ट ओवर तो बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, तो बस वही धनिया पत्ता जिंजर गार्लिक सब इसी यही सब चीज़ें रखने में ये सारे शेल्फ्स यूज़ होते हैं। और फिर चलिए देखते हैं अब मैं यहाँ पे डोर में क्या क्या चीज़ें रखती हूँ। तो डोर में ये जो पहला वाला शेल्फ है यहाँ पे मैं थोड़े चॉकलेट्स रखती हूँ मेरे डॉटर के, और कुछ नहीं रहता है बाकी का, तो ये खाली रहता है। और फिर ये वाले शेल्फ में मैंने सॉस रखा है, जैसे चिली सॉस, सोया सॉस, और फिर टोमेटो प्यूरी, ये सब रखा हुआ है ये वाले इसमें। ये थोड़ा ब्रॉड वाला रैक है तो इसमें ये सब कुछ आ जाता है, और सैल्सा डिप ये सब ये वाले रैक में जाता है। एक्चुअली ये वर्जिन मोहितो बनाने के लिए मैं लेके आई थी, मुझे मॉकटेल्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ट्राई करूँगी, ट्राई करके मैं अगर अच्छा निकले तो मैं इसका रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी मेरे कोई दूसरे वीडियो में। और फिर यहाँ पे मैंने वाटर बॉटल्स रखा है, हम फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, बट जब कोई फ्रेंड्स आ जाते हैं घर पे तो उन लोगों के लिए दो मैंने वाटर बॉटल पानी भर के रखा हुआ है। और ये जो बॉटल है इसमें मैं दूध रखती हूँ, तो सुबह जब दूध का पैकेट मैं बॉईल करती हूँ तो सुबह का जब दूध का काम हो जाता है तो मैं उसको ऐसे बॉटल में पोर करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो जब मुझे ज़रूरत पड़ता है तो मैं बॉटल से थोड़ा जितना दूध चाहिए होता है बस उतना यूज़ करके बाकी का मैं वापस फ्रिज के अंदर रख देती हूँ, तो ये बहुत यूज़फुल है एक्चुअली। और फिर नीचे में जो शेल्फ है यहाँ पे, इसमें थोड़े बहुत जूसेस और सॉस रखा हुआ है। ये वाला जो जूस है ना गाइज, ये बहुत अच्छा है, ज़रूर ट्राई करना, ये रॉ का शुगर केन जूस है, बिल्कुल ही एकदम नेचुरल लगता है, जैसे हम गन्ने का जूस बाहर जो रोड साइड में होता है यूजुअली वहाँ पर जो फ्रेश जूस पीते हैं उसी तरह का होता है, बिल्कुल ही सेम फ्रेश जूस का टेस्ट देता है ये, मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने ये दो बॉटल रखा है। और ये भी एक रॉ का गुआवा का जूस है, ये ब्रांड आप ज़रूर ट्राई करना, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बट ये मुझे पर्सनली ये ब्रांड बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल नेचुरल है इनका, कोई भी प्रिजर्वेटिव्स और फिर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं होते, सब कुछ नेचुरल होता है इनका। तो ये था मेरा पूरा फ्रिज का टूर, फ्रिज साइड का टूर। तो चलिए अब मैं आपको फ्रीज़र खोल के दिखाती हूँ कि मैं फ्रीज़र कैसे करके ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो गाइस ये है फ्रीज़र वाला पार्ट, तो चलिए खोलते हैं इसको। तो ये रहा फ्रीज़र का पार्ट, मैं पूरा एक ओवरव्यू दे देती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने फ्रीज़र में भी कुछ नहीं रखा है, मैंने जैसे पहले बताया था मैं फ्रिज में मसाले, ड्राई फ्रूट्स ये सब मैं कुछ भी स्टोर नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल डिब्बे में डाल के एयर टाइट कंटेनर ग्लास कंटेनर्स में डाल के मैं शेल्फ के अंदर ही रखती हूँ, तो मेरा मोस्टली फ्रिज और फ्रीज़र खाली ही रहता है। तो ऊपर में मैंने दो आइस के बॉक्सेस रखे हुए हैं, और ये फ्रिज के साथ ही आया था, तो
ये भी आइस का ही कंटेनर है जो फ्रिज के साथ आया था। और फिर यहाँ पे मैंने छोटा सा डिब्बा रखा है वही होम सेंटर का, और इसमें मिल्क मेड बचा हुआ मिल्क मेड है तो मुझे इसको यूज़ करना है अभी। और फिर बाकी तो कुछ नहीं है, सब कुछ खाली है। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी दो बास्केट्स हैं, तो ऊपर के बास्केट में मैंने बटर ये सब कुछ चीज़ें रखा है। तो यूजुअली यहाँ पे चीज़ेस भी आते हैं, चीज़ ख़त्म हो गया अब मुझे लेके आना है, तो ये जो बास्केट है यहाँ पे मैं सिर्फ बटर और चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ। और फिर नेक्स्ट जो बास्केट है इसमें मैंने सारे मेरे फ्रोज़न चीज़ें रखे हैं, जैसे कि फ्रोज़न वेजिटेबल्स और फिर ये गार्लिक पॉप्स, ये मेरी डॉटर बहुत पसंद करके खाती है, और फिर फ्रेंच फ्राइज, तो ये सारे चीज़ें हैं इसमें। तो बस इतना ही है। और यूजुअली आइसक्रीम्स भी होते हैं, ज़्यादा नहीं बट कभी कभार आइसक्रीम खरीद के लेके आते हैं हम, बट अब नहीं है, अब ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं, आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है डोर्स में भी, तो मैं ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स या फिर कैंड आइटम्स या टिन में जो सेल होता है ऐसे आइटम्स में बिल्कुल ख़रीदती नहीं हूँ, बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें बस जो डेली नेसेसिटीज़ के होते हैं, जैसे कर्ड मिल्क और फिर जिंजर गार्लिक, ऐसे चीज़ें ही मैं रखती हूँ, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दैट्स इट। तो और कुछ मेरे फ्रिज में रहता नहीं है। तो दैट्स इट गाइस, ये था मेरा एक छोटा सा फ्रिज का टूर। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में रिक्वेस्ट किया था कि आप फ्रिज टूर भी बनाएं, तो होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा या थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिल जाए, तो वही बड़ी बड़ी बात है फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और एक टिप है, आप यहाँ पे मैट्स बिछा सकते हो। बेसिकली मैंने नहीं बिछाया क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ, तो जब जब मुझे लगता है कि क्लीनिंग की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत गंदा हो गया तो मैं निकाल के वॉश कर देती हूँ। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली वॉश नहीं करते हो तो एक अच्छा टिप है कि आप इसमें मैट बिछा दे, टेबल मैट्स जो आते हैं वो बिछा दे, या फिर फ्रिज लाइनर्स भी मिलते हैं, अगर मुझे अमेजोन का लिंक मिलता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हो। तो दैट्स इट गाइज, ये था मेरा फ्रिज टूर।